चलो तो अभी क्या देखेंगे हम लोग, प्रॉब्लम्स इन प्लेसमेंट। तो प्रॉब्लम इन प्लेसमेंट से सबसे पहले हमने क्या देखा है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम जॉब। क्या होती है एक्सपेक्टेशंस? जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेक्टेशंस रहती है एम्प्लॉय से, वैसे ऑब्वियसली एम्प्लॉय हैव सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द जॉब। जैसे उसे बताया जाता है कि ये जॉब है तुम्हारे लिए, ऑफर देते हुए बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया हुआ है, और जब वो एक्चुअली वर्क करने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है अरे यार ये तो वो जो मैं पोजीशन सोच रहा था वो तो है ही नहीं, जो उन्होंने मुझे और इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होगी वो बताया था वो तो है ही नहीं, जो मैं सोच रहा था कि मुझे ये जॉब परफॉर्म करते वक्त ये भी करने को मिलेगा वो भी करने को मिलेगा वो भी नहीं है। तो ये जब हमें दिखता है कि हमने जो एक्सपेक्ट किया था दैट इज़ नॉट मैचिंग विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब, तो हम लोग क्या होते हैं, जाते हैं डिसअपॉइंट हो जाते हैं, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम इन प्लेसमेंट। ऑर्गेनाइजेशन जो देखती है वो अपने हिसाब से देखती है कि ये मेरे यहाँ से मेरी जॉब की एक्सपेक्टेशंस है, और उस जॉब को फुलफिल करने वाले के लिए वो जो कैंडिडेट है वो कैपेबल है या नहीं है, लेकिन वो ये नहीं देखती है कि जिस कैंडिडेट को उसने सिलेक्ट किया है उसके जो एक्सपेक्टेशंस है जॉब से वो ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पे बिगेस्ट प्रॉब्लम जाता है व्हाइल प्लेसिंग द कैंडिडेट। देन चेंज इन टेक्नोलॉजी। देखिए जब आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को वहाँ पे अपॉइंट किया हुआ है तब टेक्नोलॉजी अलग थी, और अभी उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑलवेज टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, इट इज़ एवर चेंजिंग। तो ये जब चेंज होती रहती है तो हो सकता है कि कोई इजीली उसे अडॉप्ट करे, और कोई हो सकता है कि उसे भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए प्रॉब्लम चल रहा हो। तो ऐसे इसमें अब वो जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है जिसे आपने वो जॉब असाइन किया था वो उस जॉब को परफॉर्म नहीं कर सकता है उतना स्किलफुली जितने स्किलफुली वो पहले कर रहा था। तो यहाँ पे फिर से प्लेसमेंट में क्या हो गई है, मिसमैच हो गई जॉब एंड द एम्प्लॉय प्लेस्ड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। देन चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखिए मैंने पहले ही बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसे फ्रेम किया जाता है, एंड अकॉर्डिंगली द जॉब्स आर आइडेंटिफाइड, एंड अकॉर्डिंगली द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द जॉब्स आर डिसाइडेड, और कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। लेकिन जब आपने कुछ आपके कंपनी में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया है, तो जैसे स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो आपने जिस कैंडिडेट को उस पर्टिकुलर जॉब के लिए वहाँ पे अपॉइंट किया था वो अभी फिर से क्या होने वाला है, मिसफिट होने वाला है फॉर परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर जॉब। देन सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्विंग टीम वर्क, ये तो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। किसी के साथ हमारी जम रही है, किसी के साथ हमारी नहीं जम रही है, कोई मेरे गांव का है तो मेरे उसके साथ जम रही है, या तो नहीं भी जम रही है, बराबर है। ऐसे हम लोग ने देखा हुआ है कि जो एक इसको बिलोंग करते हैं वो उनके जो टीम वर्क है वो अच्छे से बन जाता है, और जो बाहर का है जिसे हम लोग कहते हैं ऑड मैन आउट, बराबर है, वो फिर वहाँ पे फिट ना होने के वजह से ऑर्गेनाइजेशनल जो टीम वर्क है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाता है, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम इन प्लेसमेंट। देखिए जब आपको वहाँ पे प्लेस किया जाता है तो सिर्फ ये देखा जाता है कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है और वो कैंडिडेट उसे फुलफिल कर रहा है कि नहीं, लेकिन एक्चुअली जब वो वहाँ पे प्लेस किया जाता है तो ये जो सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है वो अराइज हो जाते हैं, एंड इवन दो दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट इज कैपेबल एंड स्किलफुल फॉर परफॉर्मिंग दैट जॉब, बट ड्यू टू दीज रीजंस ही कैनॉट गिव हिज 100% आउटपुट, बराबर है। तो ये देखना जरूरी रहता है, बट दीज प्रॉब्लम्स कैन बी ओवरकम थ्रू दिस टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, या हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह से हमने अगर वहाँ पे चेंजेस लाए तो ये जो प्रॉब्लम्स हमें वहाँ पे दिख रहे हैं उसे ऑर्गेनाइजेशन बहुत इजीली क्या कर सकती है, ओवरकम कर सकती है। तो वो क्या है, जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन यानी क्या है, जैसे कि हमारा ग्रुप बन गया है, अब यहाँ पे हम लोग ऐसे ही काम करने वाले हैं, लेकिन रोटेट करते जाओ ना जॉब रोटेट करते गए तो जो वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था वो दूसरी जगह पे भी चला जाएगा, वो जो टीम भी थी वो अलग अलग जगह पे चली जाएगी, तो उस टीम को भी पता चलेगा कि एक ही साथ नहीं रहते हैं, अलग अलग जगह पे भी हमें रोटेट किया जाता है, तो हमें उस तरीके से काम करना जरूरी है। और दूसरा ये कि अगर मुझे ये काम नहीं आ जा रहा है और मैं दूसरे काम के लिए ज़्यादा कैपेबल हूँ तो क्या होगा, मुझे जॉब रोटेशन के वजह से ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि वेयर आई एम
सुटेबल और अकॉर्डिंगली फिर मुझे क्या किया जाता है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए प्लेस किया जाता है। तो ये जो हमने देखा था एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम अ जॉब, ये ओवरकम इसी से हो जाता है जॉब रोटेशन से। देन टीम वर्क बिल्डिंग तो करना ही है। कई बार आपने मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे, एक तो बहुत ही पॉपुलर वीडियो है कि पूरे के पूरी टीम को एक रूम में लाया जाता है, वहाँ पे बलून्स उनको कहा जाता है कि ब्लो करो, वो बलून्स को ब्लो कर दो, फिर बोला जाता है कि आप उसके ऊपर अपना अपना नाम रखो लिखो, फिर वो नाम लिखते हैं अपना वहाँ पे, और फिर उन्हें कहा जाता है कि उसे अच्छे से टाई करके वो रूम में छोड़ दो। फिर थोड़ी बाद उनको बुलाया जाता है, वो जो पूरे जो बलून्स होते हैं एक जगह पे क्लब करके उन्हें मिक्स किया जाता है, फिर वो टीम को फिर से बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आप अपना अपना बलून यहाँ से निकालो, 5 मिनट के अंदर ये काम हो जाना चाहिए। अब सबको लगता है कि, और उसे प्राइज भी डिक्लेयर किया जाता है, जिसे सबसे पहले अपना बलून मिलेगा उसे इतना अवार्ड दिया जाएगा। अब हर एक किसके पीछे लगा हुआ है, नहीं मुझे पहले वो बलून मिलना चाहिए। तो दिखता है कि उसके हाथ में तो दूसरे का बलून आ रहा है, 5 मिनट इसी में चले जाते हैं और किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। फिर जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो बताता है कि फिर हम लोग वहाँ पे गए और उनको कहा कि आपके हाथ में जो भी बलून आया है उसे उठाइए और फिर कहिए कि ये बलून किसका है, उसे नाम जो है उसको पुकारिए, और जैसे नाम आप पुकारोगे पर्टिकुलर व्यक्ति सामने आ जाएगी और हर एक को 1 मिनट के अंदर अपने अपने बलून्स मिल जाएंगे। एंड दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। तो इस तरह से उन्हें ये टीम वर्क बिल्ड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, और ये जो प्रॉब्लम है ना हमारे सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इसे ओवरकम किया जाता है। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जैसे हमने टेक्नोलॉजी चेंजेस का देखा हुआ था, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है तो मुझे तो ये टेक्नोलॉजी मालूम ही नहीं है, मैं तो अब काम कर ही नहीं सकूंगी, अब मैं तो उसके लिए जॉब के लिए पर्टिकुलरली मैं उनके एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं कर रही हूँ, तो बेटर है कि मैं ये जॉब छोड़ के दूसरी जॉब के लिए चली जाऊँ। तो क्या हो रहा है, एम्प्लॉय टर्नओवर भी बढ़ेगा और वो जॉब यानी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो उससे जो मिलने वाला आउटपुट है वो भी अच्छा नहीं रहेगा। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जैसे ही आपके यहाँ पे कोई भी चेंजेस होते हैं तो यू हैव टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू योर एम्प्लॉयज, देन देर आर लिटिल चांसेस ऑफ दैट मीन्स लेबर टर्नओवर और यू मे से द एम्प्लॉय टर्नओवर। देन जॉब एनरिचमेंट, बिल्कुल जॉब को एनरिच करना, यानी क्या करना है आपको उस जॉब में और ज़्यादा से ज़्यादा उसे हम लोग कहते हैं कि हाँ मेरा ईगो जो है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, मेरी जो एक्सपेक्टेशंस है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, मुझे और करने के लिए वहाँ पे स्कोप होना चाहिए, एंड दैट इज़ नोन एज जॉब एनरिचमेंट। तो ये जब हो जाता है तो ये जो एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉय होते हैं ना फ्रॉम द जॉब, वो भी उसके क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं और एक कंपनी में अच्छे से काम होने लगता है। और ये सिर्फ किसके वजह से होता है, प्रॉपर पर्सन आर प्लेस्ड फॉर अ प्रॉपर जॉब। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्लेसमेंट। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द अदर चैप्टर ऑफ दिस प्लेसमेंट और अदर टॉपिक ऑफ दिस प्लेसमेंट। थैंक यू।